सब सुमिता किचन में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बबल पटेटो चिप्स की रेसिपी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। चलिए हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू ले लिया और आलू को इस तरह से काट के हम बॉईल करके ठंडा कर लिया। अब हम इसको इस बाउल में डाल देंगे करना है। देखिए दोस्तों, हमने आलू को अच्छी तरह से मैश कर लिया। अब हम इनमें कुछ चीज़ डालेंगे। चावल का आटा हम 3 चम्मच मिलाएंगे। इसी चम्मच से आपको लेना है। 2 चम्मच हम मैदा मिलाएंगे। इसी चम्मच के हिसाब से हम 2 चम्मच मैदा मिलाएंगे। स्वाद बढ़ाने के लिए हम चुटकी भर नमक मिलाएंगे और 1 चम्मच शुगर पाउडर मिलाएंगे। कश्मीरी लाल मिर्च मिलाएंगे। इस कश्मीरी मिर्ची को मिलाने में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। कुछ मीठा, कुछ नमकीन, ऐसा लगेगा। हमें इसी तरह से मिला लेना है। सॉरी दोस्तों, हम बताना भूल गए, थोड़ी सी हम बेकिंग सोडा मिलाएंगे, इतना सा। देखिए दोस्तों कितना, थोड़ी सी मिलाएंगे। अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दोस्तों इसी तरह से हमें आटे की तरह डो बना लेना है। अब हम इसको हटा देते हैं। अब इसके ऊपर रख के हम अच्छी तरह से मस लेंगे। ऑयल लगा के कर लेना तो चिपकेगा नहीं। अब रोटी की तरह हम लोहे बना लेते हैं। अब हल्के हाथों से हमें आराम से कर लीजिए। अब हम पीसेस करके काट लेंगे। इसी तरह से हम काट लेते हैं। इसी तरह से बना लीजिए इतने से। देखिए दोस्तों, हमने सारे बॉल्स को बना लिया है। अब हम इसके ऊपर मैदा रख दिया, सूखा मैदा, और 1 चम्मच को हम मैदा में डुबो लिया। अब हम एक एक करके क्रश कर देंगे ऐसे। देखिए इसी तरह से हमें सारे चिप्स को बनाना है। अब हम गैस पे चलते हैं। हमने पहले ही गैस पे कढ़ाई रख दिया और उसमें ऑयल रख दिया। ऑयल भी हमारा गर्म हो गया। अब धीमी आंच में इसको फ्राई करना है। देखिए दोस्तों, इसी तरह से हम एक एक करके डाल देंगे। अभी हम इसको पलटेंगे नहीं, अपना आप ऊपर आ जाएगा। देखिए दोस्तों ऊपर आ गया। अब हम पलट देते हैं, साइड फ्राई करना है। देखिए दोस्तों हमारा फ्राई हो गया। अब हमें निकलना है। इसी तरह से हम दूसरा भी फ्राई करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमारी ये रेसिपी अब बिल्कुल तैयार है। हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। ड्राई और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। देखिए आप एक बार खाएंगे ना तो आपको बार बार खाने का मन करेगा। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।